नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, इकचारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। हिंदी के बदले अंग्रेजी में प्रश्न पूछे जाने पर पीएचडी के छात्रों ने किया हंगामा, परीक्षा का किया बहिष्कार। वासुकी दास हत्याकांड मामले में आरोपी पूर्व सरपंच उपेंद्र दास गिरफ्तार, ट्रांसफार्मर से बिजली काटने को लेकर हुई थी हत्या। विश्व बाल दिवस को लेकर जिले भर में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, बच्चों के अधिकार पर हुई चर्चा। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एनएसयूआई ने चलाया बूट पॉलिश अभियान, सरकार को बताया विफल। और सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने मधुसूदनपुर थाने में की समीक्षा बैठक, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन परिसर और बहुउद्देशीय प्रशाल में बुधवार को छात्रों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल प्री पीएचडी एग्जाम में हिंदी के बदले अंग्रेजी में प्रश्न पूछे जाने से छात्र भड़क उठे और हंगामा करते हुए परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। इस दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना पर बैठ गए। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन फिर से परीक्षा ले जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा के प्रश्न पत्र हो। वहीं प्रति कुलपति प्रोफेसर रामयतन प्रसाद ने छात्रों की समस्या का समाधान करने की बात कही। पीएचडी का एग्जाम देने के लिए लखीसराय से आई हूँ, मेरा प्रॉपर घर खगड़िया हुआ और जब भी एग्जाम प्री पीएचडी का हुआ है उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन इस बार आईसीटी के लापरवाही के कारण सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन दिया गया है जो कि विद्यार्थी के समस्या बाहर है। बहुत ही कठिनाइयां हम लोग को झेलना पड़ रहा है और ये जो है सारी जिम्मेदारी ये यूनिवर्सिटी प्रशासन की है। हम लोग चाहते हैं कि इस परीक्षा को कैंसिल करते हुए अगले डेट दिया जाए और हिंदी में क्वेश्चन दिया जाए। मैं भारत वर्ष में रहता हूँ और मेरा हिंदी अनिवार्य रूप से घोषित किया गया, तो फिर हिंदी में क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा गया? और ये हमारा अनिवार्यता है, ये पूरा सरकार की इसमें पूरी लापरवाही है, प्लस बीसी की भी लापरवाही है। इसमें सरकार को देखना चाहिए कि ये हिंदी अनिवार्य रूप से किया गया तो फिर ये क्वेश्चन को क्यों इंग्लिश में लागू किया गया? मैं रहना और भारत में भारतीय भाषा का अपमान जो यहाँ के बीसी कुलपति महोदय ने किया है, इसी का यहाँ के छात्रों ने विरोध किया है। वास्तव में हिंदी मीडियम जहाँ भी हमने एग्जाम दिया, इसके पहले जहाँ भी एग्जाम दिया है, दो मीडियम रहता है, एक लोकल मीडियम और एक अंतर्राष्ट्रीय मीडियम। भाई साहब ठीक है, इन्होंने एग्जाम लिया अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि हम समझ नहीं रहे थे, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा का अपमान था, इस अपमान का हमने विरोध किया है। 20/11/19 को प्री पीएचडी की परीक्षा थी जिसका हम लोग बहिष्कार करते हैं। वजह यह है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन आया, जबकि नेट की परीक्षा हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है। मधेपुरा यूनिवर्सिटी में 2019 पेट की परीक्षा हिंदी इंग्लिश दोनों में हुई है। पटना यूनिवर्सिटी में एक महीना पहले पेट की परीक्षा हिंदी इंग्लिश दोनों में हुई है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में ही इंग्लिश में क्यों? मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में राजमिस्त्री वासुकी दास की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी पूर्व सरपंच उपेंद्र दास को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कुछ माह पूर्व ट्रांसफार्मर से बिजली काटने के विरोध में मृतक का भांजा बिरजू दास और आरोपी कैलाश दास के बीच मारपीट हुई थी, जिसके बाद पूर्व सरपंच उपेंद्र दास, रणविजय दास और कैलाश दास ने मिलकर लाठी डंडे एवं खंती घोपकर वासुकी दास की हत्या कर दी थी। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। वहीं मृतक की पत्नी के बयान पर 6 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कराया गया था। विश्व बाल दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को रोटरी विक्रमशिला पिंक की ओर से नाथनगर स्थित रामानंदी देवी अनाथालय में बच्चों के बीच खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सबसे पहले विक्रमशिला पिंक के सदस्य एवं अनाथालय के सदस्यों ने बच्चों के साथ मिलकर केक काटा। इसके बाद म्यूजिकल चैन, दौड़ एवं राइम गेम का आयोजन हुआ जिसमें 50 बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में विजेता बने बच्चों को मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। मौके पर अध्यक्ष किरण गोस्वामी, मोनिका महेश्वर, चंदना चौधरी, अर्पणा प्रकाश, अनीता अनवर
समेत पिंक की कई सदस्य मौजूद थी। वहीं भागलपुर के जगदीशपुर मध्य विद्यालय में बुधवार को विश्व बाल दिवस मनाया गया। इस दौरान सबसे पहले बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया, जिसके बाद बाल अधिकारों के लिए प्रभात फेरी निकालकर लोगों को जागरूक किया गया, जिसके बाद बच्चों के द्वारा विद्यालय परिसर में यूनिसेफ की आकृति में मानव श्रृंखला बनाई गई। वहीं बच्चों के बीच चित्रांकन, खेल, लेखन, नृत्य एवं संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन बाल संसद के प्रधानमंत्री सृष्टि भारती ने किया। इस मौके पर बीएड कॉलेज के प्रोफेसर चंदन कुमार, प्रदीप कुमार, वासुदेव, कौशल्या, पुष्पलता, कल्पना समेत स्कूली बच्चे मौजूद थे। वहीं जगदीशपुर के तढ़िया मध्य विद्यालय में विश्व बाल दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन थानाध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी ने किया। मंच का संचालन प्रधानाध्यापक सचिदानंद दास ने किया। इस दौरान स्कूली बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई, जिसका मौजूद लोगों ने जमकर आनंद उठाया। इस मौके पर काफी संख्या में स्कूली बच्चे मौजूद थे। देश में बढ़ती महंगाई और JNU में छात्रों द्वारा चल रहे आंदोलन को लेकर बुधवार को NSUI के द्वारा स्टेशन चौक के समीप वुड पॉलिश अभियान चलाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व NSUI के जिलाध्यक्ष बम्बम प्रीत और कांग्रेस नेत्री अनामिका शर्मा ने किया। इस दौरान NSUI के कार्यकर्ताओं ने वुड पॉलिश कर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेत्री अनामिका शर्मा ने कहा कि आज पढ़े लिखे युवा रोजगार के अभाव में गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। सरकार सिर्फ जात पात और धर्म की राजनीति कर रही है, जिसको आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। इस दौरान काफी संख्या में NSUI के कार्यकर्ता मौजूद थे। चुप भैया, यहाँ बैठे हुए हैं, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरह नई नौकरी तो पैदा नहीं की जा रही है, उनके जो जितने भी रोजगार के अवसर हैं उनको बंद किया जा रहा है या उनका निजीकरण किया जा रहा है। आज आप देखिए कि छात्र जो है सरकार के विरोध में दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। यह हमको लगता है कि भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि पढ़े लिखे छात्र जिनको पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहिए वो सरकार के खिलाफ उतर गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कभी वकील आंदोलन कर रहा है, कभी पुलिस आंदोलन कर रहा है, कभी छात्र आंदोलन कर रहा है। इसके पहले हमको लगता है कि भारत में कभी उत्पन्न नहीं हुई थी एक शिक्षा जगत जब किसी सरकार का आंदोलन करता है या उसके विरोध में आवाज उठाता है। तो इसका मतलब नहीं है कि सरकार का दुर्दिन आ गया है। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में बढ़ रही घटनाओं को लेकर बुधवार को सिटी SP सुशांत कुमार सरोज ने थाना में समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सिटी SP ने हाल के दिनों में हुई घटनाओं की समीक्षा की और घटना के उद्वेदन को लेकर थाना अध्यक्ष को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सिटी SP ने सिरिस्ता कार्य में सुधार लाने, लंबित कांडों का उद्वेदन करने, भूमि विवाद के निपटारे एवं फरार वारंटियों की गिरफ्तारी का निर्देश प्रभारी थाना अध्यक्ष सुनील झा को दिया। सिटी SP ने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाने का निर्देश थाना अध्यक्ष को दिया गया। देखिए, हम लोगों का रूटीन ये होता है, मतलब रिव्यू, हम कोशिश करते हैं कि हर माह प्रत्येक थाने पर जाएं, वहाँ का लंबित कांड है या वारंट है, कुर्की है इत्यादि की समीक्षा करें और उसके निष्पादन गति लाएं। ये तो वो हम लोग कर रहे हैं, सभी आयु बैठे हुए थानापारी बैठे हुए हैं, उन्हें निर्देश दे रहे हैं कि इस माह में आप कितना कांड का निष्पादन करेंगे, अगले माह कितना करेंगे, ये वो टारगेट दे रहे हैं। दूसरा, अभी जो घटना घटी थी हाल फिलहाल, वो बच्चे का जो अपहरण हुआ था, जो हत्या कर दी गई थी, हम उस केस का भी रिव्यू कर रहे हैं। इसमें हम लोग कुछ सुराग मिला भी है, वहाँ लोकल लड़कों ने घटना किया है, लगभग पहचान भी हो गई है, हम लोग जल्दी गिरफ्तार कर भी लेंगे। लेबर कोड बिल वापस लेने, न्यूनतम मजदूरी घोषित करने सहित कई मांगों को लेकर बुधवार को श्रम कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन किया गया। ऑल इंडिया कंस्ट्रक्शन वर्क्स फेडरेशन एवं एक्टू के राज्यव्यापी आह्वान पर बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सरकार के विरोध में मजदूरों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व राष्ट्रीय महासचिव SK शर्मा एवं एक्टू के जिला सचिव मुकेश मुक्त ने किया। धरना को संबोधित करते हुए SK शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए मजदूर विरोधी बिल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने लेबर कोड बिल वापस लेने की मांग की है। साथ ही असंगठित मजदूरों के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा एवं आवास सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। धरना के बाद श्रम अधीक्षक को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। यानी वो प्राइवेट सेक्टर उसको चलाएगी, जिस तरीका से देश के तमाम पब्लिक सेक्टर को बेचने का ये तैयारी कर रहे हैं। घोषणा भी वित्त मंत्री ने किया है कि हम एयर इंडिया को बेच देंगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को बेच देंगे, उसी तरीका से ये पूरे देश को बेचने की कोशिश कर रहे हैं उसके खिलाफ।
मजदूरों पर जो हमले हो रहे हैं, उनको जो गुलाम बनाने की साजिश चल रही है, उसके खिलाफ हमने ये लड़ाई शुरू की है। और इस लड़ाई के क्रम में आपको बता दूं कि 28 नवंबर को राज्य स्तरीय प्रदर्शन होंगे, पटना में निर्माण मजदूर जुटेंगे, वहाँ पर हम नीतीश सरकार की जो मजदूर विरोधी नीति है उसके खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। और 8 जनवरी को केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के आह्वान पर मोदी सरकार की जो मजदूर विरोधी, जन विरोधी, देश विरोधी नीतियाँ हैं उसके खिलाफ जो मजदूरों का हड़ताल का आह्वान है, उसमें देश के 10 करोड़ निर्माण मजदूर शामिल होंगे और 8 जनवरी को वो हड़ताल करेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। हर साल की तरह इस साल भी सर्दियों के आते ही तिवतन पोटाला मार्केट भागलपुर के तिलका मांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर में खुल चुका है। यहाँ हर तरह के गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर, साल, कंबल, टोपी, मफलर उचित कीमत पर उपलब्ध है। महिला, पुरुष एवं बच्चे के लिए बेहतरीन क्वालिटी एवं एक से एक डिजाइन में गर्म कपड़ों की रेंज उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही चले आइए तिवतन पोटाला मार्केट तिलका मांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपए में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894 8210975763 7542932154 6200122297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के नाथनगर स्थित रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय से बुधवार को दुबई से भागलपुर पहुंचे दंपत्ति ने 6 वर्षीय बच्चे को गोद लिया है। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक मेरी लता किश्कू, बाल संरक्षण पदाधिकारी विकास कुमार, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान की समन्वयक कुमारी अनुश्री, अनाथालय के सचिव सर्जानंद मिश्र ने दुबई की दंपत्ति शंकर नारायण और राधिका नारायण को सौंप दिया। वहीं बच्चे को गोद में लेते ही दंपत्ति काफी खुश थे। शंकर नारायण और राधिका नारायण ने कहा कि उनके माता पिता बनने का सपना पूरा हो गया और वह अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। वहीं सचिव सर्जानंद मिश्र ने कहा कि अनाथालय से अब तक 22 बच्चे को गोद लिया गया है। 4 साल पहले अप्लाई किया था बच्चे के लिए, हम लोग तो बहुत साल से तो ट्रीटमेंट सब किया था, बच्चे नहीं हुआ था। तो अभी 4 साल से अभी मतलब 4 साल पहले किया था, अप्लाई किया था। अभी इसके बाद आफ्टर लॉन्ग प्रोसीजर अभी तो हो गया, बच्चे मिल गया, वी आर वेरी हैप्पी। वहाँ से भी सब हेल्प मिला था, तो वी आर वेरी हैप्पी दैट फाइनली हमको भागलपुर से ही मिला। भागलपुर तो हम तीसरे बार आ रहे हैं, पहले तो भागलपुर का नाम तो सुना नहीं था, लेकिन अभी सुना तो भागलपुर अच्छा लगा। सब लोग अभी एक घर जैसा हो गया। अभी कहाँ लेके जाएंगे बच्चे? अभी हमको हम दुबई लेके जाएगा, हम तो केरला का है, अभी दुबई लेके जाएगा। अभी दुबई में उसका शिक्षा विक्षा सब वहाँ से हो जाएगा। क्या जाता है उसका प्रोसेस में जो बच्चा उनको मिलता है, फिर कोर्ट से इसका जजमेंट होता है। जजमेंट होने के बाद फिर जिनको जो बच्चा मिला वो अपने पास ले जाते हैं, और आज जो आया है तो दुबई ले जाएंगे। दुबई के उनका लड़का, उनको दुबई जाना है, दुबई ले जा रहे हैं। बच्चे भी खुश हैं कि हम विदेश जा रहे हैं। हमारे यहाँ 2 पेरेंट्स आए हैं, राधिका नारायण और शंकर नारायण। इन्होंने आज से 4 साल पहले कारा में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, और इन्हें यहाँ का, हमारे यहाँ का सबसे प्यारा बच्चा रितेश कुमार, इनको आज एडॉप्शन में दिया गया है। ये बच्चे पाकर के बहुत खुश हैं, और अब हमारा बच्चा जिस तरह से भागलपुर का नाम हमारे साथ रोशन किया है, ये दुबई में इंडिया की चमक बिखरेगा और हमारे रामानंदी हिंदू अनाथालय का भी चमक बिखरेगा। भागलपुर सदर SDO आशीष नारायण ने बुधवार को नाथनगर
प्रखंड कार्यालय स्थित आरटीपीएस काउंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीओ ने मौजूद आवेदनों की जांच की, जिसके बाद एसडीओ वीडियो और सीओ कार्यालय पहुंचे, जहां दोनों अधिकारियों को सुचारू रूप से प्रखंड कार्यालय चलाने का निर्देश दिया। साथ ही योजनाओं से संबंधित दीवार लेखन फिर से कराने की बात कही। जाँच के दौरान एसडीओ संतुष्ट दिखे। एसडीओ ने बताया कि सभी कार्य संतोषजनक पाया गया है। ई कॉमर्स कंपनियों की नीति के विरोध में बुधवार को भागलपुर मोबाइल विक्रेता संघ ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मोबाइल दुकानदारों ने कंपनी की नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भागलपुर मोबाइल विक्रेता संघ के अध्यक्ष संदीप कुमार ने कहा कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी कंपनियां ग्राहकों को भारी छूट देकर अपनी ओर खींच रही है, जिसके कारण शहर में मोबाइल का बाजार काफी मंदा हो गया है, जिससे व्यवसायियों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। उन्होंने सरकार से व्यवसायी के हितों को देखते हुए अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इस मौके पर अभिनव डालुका, शंकर मिश्रा, मनीष कुमार, विनोद साह, अनिल बाजोरिया, रवि दुबे, मनीष अग्रवाल सहित कई मोबाइल दुकानदार मौजूद थे। एक पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने बनाई है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, एक पॉलिसी बनाया जिसके तहत कोई भी कंपनी, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियाँ अपने तरफ से कोई भी इन्वेंट्री नहीं खड़ा कर सकती है, किसी भी तरह से वो अपना प्रोडक्ट नहीं बना सकती और कोई भी मूल्य निर्धारित नहीं कर सकती वो लोग। वो लोग इसका अच्छी तरह पूरा धड़ल्ले से इसका दुरुपयोग कर रही है और उस तरह से हम लोगों को वो अपना इन्वेंट्री बना रही है और अपना रेट डिसाइड कर करके हम लोग को प्राइस नहीं। अकबर नगर में बीज की दुकान बंद कर वापस घर लौट रहे व्यवसायी से मंगलवार की रात अपराधियों ने 6 लाख रुपए लूटकर फरार हो गया। लूट की घटना का विरोध करने पर बदमाशों ने व्यवसायी पर गोली भी चला दी, लेकिन घटना में व्यवसायी बाल बाल बच गए। दरअसल मंगलवार की रात इसाचक निवासी व्यवसायी अनुज देव सिंह घर लौट रहे थे। इसी दौरान नाथनगर थाना क्षेत्र के पुरानी सराय बाईपास मोड़ के समीप 4 अपराधियों ने व्यवसायी का रास्ता रोक लिया और हथियार के बल पर रुपए से भरा थैला छीनने लगा, जिसका व्यवसायी ने विरोध किया, लेकिन अपराधियों ने गोली चला दी, जिसके बाद डर से व्यवसायी ने रुपयों से भरा थैला अपराधी को दे दिया। वहीं पीड़ित व्यवसायी ने घटना की सूचना नाथनगर पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। चंपा पुल और जो दो गच्छी है उसी के बीच में एक बीज व्यवसायी था जो अकबर नगर दुकान से अपना घर जा रहा था। रास्ते में उसे गन पॉइंट पे 4 लड़कों ने से पैसा लूट लिया। उसमें भी शामिल जो लोग हैं, हम खुद भी गए थे पीओ पर, पूछताछ किया उन लोगों से, वादी से भी जो शामिल हैं उसका लगभग पहचान हो गया कौन शामिल इसमें है। बहुत जल्द हम लोग गिरफ्तार कर ले, टीम भी बना दी गई है। सिटी डीएसपी नेतृत्व में 3-4 थाना प्रभारी है और हमारी कोशिश है कि हम बहुत जल्द उसमें गिरफ्तार भी कर लें, बरामद भी कर लें। हम लोग हर सब कोशिश करते हैं कि गश्ती निकलती है, अगर बाइक पेट्रोलिंग है, मोबाइल अलग अलग से निकलता है, तो निगाह रखे हुए हैं कि घटना ना हो। यदि हो जाती तो लोग कोशिश करते हैं उसका निदान हो जाए, बरामदगी हो, गिरफ्तारी। भारतीय गांधी अध्ययन समिति के अधिवेशन के अंतिम दिन स्नातकोत्तर और गांधी विचार विभाग तिलका मांझी में 2 सत्रों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का संचालन नीरज कुमार एवं संबोधन प्रोफेसर डीएम दिवाकर एवं मुंगेर विश्वविद्यालय की प्रति कुलपति प्रोफेसर कुसुम ने किया। इस दौरान सम्मेलन की कमी व अच्छाई पर बात की गई। गांधी विचार विभाग भागलपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष व कार्यक्रम के आयोजक प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि 3 दिवसीय अधिवेशन का समापन हो गया। वर्ष 2020 में फिर से अधिवेशन दक्षिण के राज्य में होगा। मौके पर अभिनंदन, शिल्पी कुमारी, शारदा चौहान, मुकुल, जयकरण समेत कई लोग मौजूद थे। कहलगांव में गंगा नदी पार करने के दौरान डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान कुलकुलिया गांव निवासी रामदयाल मंडल के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बुधवार को मृतक गंगा पार दियारा पर मकई बोने गया था। वापस लौटने के दौरान वह गंगा नदी में डूबने लगा, जिसके बाद मृतक के साथी ने घटना की सूचना अन्य किसानों को दी। वहीं किसानों ने डूब रहे व्यक्ति को काफी मशक्कत के बाद गंगा नदी से बाहर निकाला। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए।
भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से अंडर 17 क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे दिन बुधवार को अरवल, दरभंगा, खगड़िया एवं पटना के बीच मैच खेला गया, जिसमें पटना ने अरवल को 80 रनों में ऑल आउट कर पराजित किया, तो वहीं दूसरी ओर दरभंगा बनाम खगड़िया मैच हुआ। बता दें कि चल रहे इस टूर्नामेंट में राज्य की 38 टीमों ने हिस्सा लिया है। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुबीर मुखर्जी ने बताया कि चल रहे टूर्नामेंट का फाइनल 28 नवंबर को खेला जाएगा। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1 लाख रुपए प्रति कट्ठा। हिंदी के बदले अंग्रेजी में प्रश्न पूछे जाने पर पीएचडी के छात्रों ने किया हंगामा, परीक्षा का किया बहिष्कार। वासुकी दास हत्याकांड मामले में आरोपी पूर्व सरपंच उपेंद्र दास गिरफ्तार, ट्रांसफार्मर से बिजली काटने को लेकर हुई थी हत्या। विश्व बाल दिवस को लेकर जिले भर में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, बच्चों के अधिकार पर हुई चर्चा। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एनएसयूआई ने चलाया बूट पॉलिश अभियान, सरकार को बताया विफल। और सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने मधुसूदनपुर थाने में की समीक्षा बैठक, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के दिए निर्देश। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।